नमस्ते नन्हे मुन्ने बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ घास। वो है स्ट्रोक, मतलब रेखाएं। हिंदी अक्षरों को लिखने के लिए स्ट्रोक को सीखना बहुत जरूरी है। स्ट्रोक से ही हम अक्षरों को लिखते हैं और सीखते हैं। बच्चों, दिस इज स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट, लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन, दिस इज राइट स्टैंडिंग लाइन एंड दिस इज स्लीपिंग लाइन, सर्कल, स्मॉल सर्कल, दिस इज लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अपर कर्व, डाउन कर्व, हुक लाइन, दिस इज स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्टैंडिंग लाइन, राइट स्टैंडिंग लाइन, दिस इज स्लीपिंग लाइन, सर्कल, स्मॉल सर्कल, दिस इज कर्व, द लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अपर कर्व एंड डाउन कर्व, दिस इज हुक लाइन। ओके चिल्ड्रेन, मैं अब उस सिखाऊंगी अक्षरों को स्ट्रोक से कैसे बनाया जाता है। ओके बच्चों, ये है कर्व, ये एक कर्व, ये स्लीपिंग लाइन, ये स्टैंडिंग लाइन और एंड स्लीपिंग लाइन। अ हिंदी अक्षरों के पहला अक्षर है अ, और इज दिस अ। ओके चिल्ड्रेन, नेक्स्ट लेटर कर्व, राइट कर्व, स्लीपिंग लाइन, ये है स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, दिस इज लेटर आ। लेटर आ, अ आ। ओके चिल्ड्रेन, चलो बच्चों तीसरा अक्षर, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, स्मॉल सर्कल, राइट स्टैंडिंग लाइन एंड और स्लीपिंग लाइन, दिस लेटर ई। हिंदी वर्णमाला में तीसरा अक्षर अ आ ई। ओके चिल्ड्रन, बच्चों आज हमने स्ट्रोक के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त किया है। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, सी यू।